वेलकम टू वाई फिजिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं डायलिसिस। डायलिसिस इसको हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं और इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। ओके, तो डायलिसिस देखते हैं पहले क्या होता है। डायलिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, जितना भी बॉडी से बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियल वे से, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से, ठीक है। क्या होता है, अगर कोई किसी पर्सन की किडनी में इन्फेक्शन या कोई इंजरी होती है और उसकी वजह से किडनी पूरी तरह से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, किडनी काम करना बंद करेगी, कर देगी। तो क्या, किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो बॉडी के अंदर एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म तो होता रहेगा, जिससे क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर उसको रिमूव नहीं किया, अब रिमूव करने वाले ने तो काम बंद कर दिया है, मतलब किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। अब क्या करें, उसको निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एक किडनी तो निकालेंगे नहीं नेचुरल वे से, ठीक है। अगर उस वेस्ट को निकाला नहीं गया किसे, बॉडी से, तो क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और इस लेवल तक बढ़ेगी, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है उन आदमी के लिए बोन है, वरदान है, जिनकी दोनों किडनियां क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो डायलिसिस क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव कर किया जाता है, ठीक है। ओके, इसको हीमोडायलिसिस क्यों बोला, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है जो भी अपरेटस यूज होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसे कोई पेशेंट है जिसकी किडनी दोनों खराब हो गई है, ठीक है, पेशेंट है, इसको क्या किया जाएगा, इसकी आर्टरी से क्या किया जाएगा, ब्लड को लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ये डायलिसिंग यूनिट होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और इसके अंदर क्या होती है, ट्यूब होती है ऐसे, इसके अंदर क्या होती है, ट्यूब होती है ऐसे, ठीक है। ये क्या है, डायलिसिंग एपरेटस, तो डायलिसिस करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, ट्यूब होती है, ठीक है, क्या होती है, ट्यूब होती है। और ये कैसी होती है, इसके अंदर क्या होती है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ट्यूब होती है, इस पे क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लड, ये आर्टरी, यहाँ से ये ब्लड को निकाला, ये ब्लड, ठीक है, इन ट्यूब के अंदर डाल दिया, यहाँ से ट्यूब के अंदर डाला ये, ठीक है, यहाँ पे ब्लड हमारा ये आया और इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, फ्लूड बनाता है, डायलेजिंग फ्लूड, कौन सा होता है, डायलेजिंग फ्लूड। ये फ्लूड बिल्कुल ब्लड जैसा होता है, जो ब्लड होता है ना वो जैसा बिहेव करेगा, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजिनियस वेस्ट नहीं होगा, विदाउट नाइट्रोजिनियस वेस्ट, विदाउट नाइट्रोजिनियस वेस्ट, इसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगा। ओके, अब क्या होगा, ब्लड यहाँ पे आएगा, इसके अंदर जाएगा, ऐसे इनमें से सर्कुलेट करेगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलेट करेगा, ठीक है। और क्या होगा, ब्लड हमारा जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे कुल एक यहाँ पे जो वेस्ट होगा हमारा, हमारा ब्लड इसमें से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है। और जो भी वेस्ट होगा यहाँ पे, इसके अंदर, इस यहाँ पे टैंक होता है, उसके अंदर क्या होगा, वेस्ट हमारा आ जाएगा, मतलब नाइट्रोजन वेस्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक और हमारा क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा, फ्रेश डायलिजिंग फ्लूड होगा, ठीक है, डायलिजिंग फ्लूड होगा यहाँ पे फ्रेश, ठीक है, वो यहाँ से इसके अंदर जाता रहेगा, इसके अंदर सर्कुलेट होता रहेगा और हमारा ब्लड, ठीक है, प्यूरिफाई होके यहाँ से ब्लड के अंदर से वेस्ट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यूरिया जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट का यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे, ब्लड को दोबारा ट्रांसफ्यूज करने से पहले, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, ब्लड को दोबारा डालने से पहले,
पहले क्या करेंगे उसके अंदर एंटी हिफारिन ये कंपोनेंट प्रोटीन डालेंगे, ये क्या करेगा ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा और पेशेंट को दोबारा फिर बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रैक्टिस रेगुलर टाइम पे की जाती है। ओके एक बार फिर देख लेते हैं डायलिसिस क्या होता है। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिस भी इंडिविजुअल या जिस भी पर्सन की दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है, ठीक है, तो उसको ये डायलिसिस या हीमोडायलिसिस होता है उसका, ठीक है। हीमो का मतलब यहाँ पे ब्लड की बात, और ये ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड के अंदर से क्या करता है एक आर्टिफिशियल वे से, आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से जो भी ब्लड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद हमने आपको फंक्शन बताया किस तरह से ये पर्टिकुलर डायलिसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। पेशेंट की आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, और ये क्या होता है एक डायलिसिंग अपरेटस होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। उसके बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है डायलिसिंग फ्लूड भरा होता है, वो सेम ब्लड जैसा होता है जो क्या करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ब्लड इसमें सर्कुलेट होएगा ऐसे बिल्कुल क्या हो जाएगा फिल्टर हो जाएगा, और ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है हमारा एक डायलिसिंग फ्लूड होता है फ्रेश, क्योंकि हमें काफी 3-4 घंटे ये प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ पे हमें फ्रेश ऐसे यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर डालना पड़ेगा, जिससे क्या होगा हमारा वेस्ट आसानी से निकलता आए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे हमारा जब ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा मीन्स उसमें से जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होगा रिमूव हो जाएगा, उसको क्या करेंगे एंटी हिपारिन प्रोटीन मिला के दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस रेगुलर कराना पड़ेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।